नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तराखंड की आवाज में आज बात करेंगे पहाड़ों पर लगातार कम होती खेती की और बढ़ती परेशानी की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेती लगातार कम हो रही है। ज्यादातर किसान खेती से मुंह मोड़ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी जिले में 2 लाख से ज्यादा किसान पलायन भी कर चुके हैं, जिसके चलते खेत बंजर हो रहे हैं और राज्य के विकास में कृषि का योगदान भी लगातार कम हो रहा है। राज्य बनने के वक्त यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 30% था, लेकिन मौजूदा वक्त में ये घटकर महज 10.10% रह गया है। खेती को लेकर आई कमी की वजह कई सारी हैं, जिनमें सबसे अहम जंगली जानवरों का आतंक है। इसके अलावा सिंचाई के साधन ना होना भी एक बड़ी वजह है। किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं, साथ ही राज्य सरकार के विकास के दावे करने वाली हर सरकार की नीति पर भी सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर पहाड़ पर घटती खेती का जिम्मेदार है कौन? सबसे पहले आपको एक्सपर्ट की राय बताते हैं, आखिर खेती घट क्यों रही है, यानी पहाड़ पर खेती में लगातार आ रही गिरावट की वजह क्या है। कारण तो राज्य गठन के बाद जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि जोत है उसकी चकबंदी होनी चाहिए थी, वो चकबंदी आज तक नहीं हुई है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो वन्य जीव जंतु कानून है हमारे प्रदेश में अक्षरशः वैसे ही लागू कर दिए गए हैं जैसे कि केंद्र सरकार उनको लागू करने के लिए कहती है, जिसके कारण से कि हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है, विशेषतर बंदरों का और सुअरों का। जो लोग थोड़ी बहुत खेती करते भी हैं उसको बंदर और सुअर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि किसान हतोत्साहित होता है और धीरे धीरे खेती करना छोड़ देता है। पहाड़ी इलाकों में कम होती खेती की बात सरकार और विपक्ष दोनों मान रहे हैं, लेकिन इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा इसे लेकर किसी के पास कोई पुख्ता नीति नहीं है। हालांकि सरकार कई दावे तो कर रही है, मगर वो धरातल पर कब उतरेंगे और कैसे उतरेंगे इसे लेकर सवाल खड़े होते हैं। जो कृषि योग्य भूमि है डे बाई डे कम होने का तो मुख्य कारण एक तो पलायन हो रहा है, दूसरे में कोई खेती करना नहीं चाहता है, फिर आए दिन पहाड़ों में भूस्खलन है, नदियां हैं, नाले हैं, तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं जिससे कृषि योग्य भूमि निश्चित रूप से कम हो रही है। और जब तक पलायन नहीं रुकता है तब तक डे बाई डे ये जो कृषि योग्य जमीन है ये कम होती जाएगी। निश्चित रूप से 17 वर्षों में 15% कृषि भूमि की कमी आई है और ये बहुत चिंताजनक है। इस समय हम तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर जमीन पे लोग काम कर खेती कर रहे हैं, लेकिन ये जो कमी हो रही है किस तरह इसको रोका जाए इस पर हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से विचार किया और इसीलिए कृषि भूमि की गैर किसी उपयोग के लिए अगर कोई खरीदता है तो उस पर हम लोग कर लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसकी वजह क्या है और इन वजहों का पता लगाने के लिए सरकारें क्या कदम उठाएंगी, क्या सरकार के पास कोई ठोस नीति है। उससे पहले ये आंकड़े हम आपको बता दें, मौजूदा वक्त में सिर्फ 10% ही खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। 7.01 लाख हेक्टेयर में ही खेती सिमट कर रह गई। 68% जमीन पर खेती बारिश के भरोसे है। 12% जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी इलाकों से किसान लगातार पलायन भी कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा किसानों ने पहाड़ी इलाकों से पलायन किया। जंगली जानवर, मौसम की मार खेती की सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि पहाड़ी इलाके में जब किसान खेती करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में मंडियां नहीं है, उनके उत्पाद का सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता है, वो कहां अपने उत्पाद को बेचें, ये भी उनको देखना पड़ता है और इसी को लेकर तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ इस समय संजय भट्ट जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के। हमारे साथ राजेंद्र जोशी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र भसीन जुड़ेंगे। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और स्थिति आपने देख ली है, क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है सर, क्या सबसे बड़े कारण है उत्तराखंड में जो खेती की जमीन लगातार घट रही है उसके?
जी मृदुल जी, बिल्कुल जैसा आपने भी दिखाया है कि जो पलायन है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो पलायन है वो एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया है। और असल में किसान जो है वो खेती करता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की भी अगर हम बात उठा के करें तो किसान अपना खुले में बीज बोता है, फसल लगाता है, 6-6 महीने उसको लग जाते हैं, उसमें बाढ़ आ जाए या जानवर नुकसान पहुंचा जाए या कुछ अन्य घटना घटित हो जाए तो वो बेचारा ना तो उसको कुछ मिल पाता है ना कहाँ। वहीं दूसरी तरफ से अगर एक उद्योगपति अपना सामान बनाता है तो वो किसी के अंदर रखता है, ना तो उसमें पानी पड़ सकता है ना कुछ पड़ सकता है, अगर कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाए तो उसको अच्छा खासा बीमा का लाभ मिल जाता है। तो कृषि एक ऐसा काम हो गया है आज के समय पर जिसमें अपना घर चलाना भी दूभर हो गया है। इसीलिए लोग अपनी जमीन बेच बेच के चाहते हैं, कि किसान चाहता है कि मैं अपने बेटे को कहीं सरकारी नौकरी में चपड़ासी ही लगा दूं। तो ये जब हालात बद से बदतर होते जाएंगे, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि की तरफ थी लेकिन कृषि से धीरे धीरे घटते घटते कृषि में बिल्कुल कुछ फायदा नहीं रहा। अब किसान को अपना अनाज फेंकना पड़ता है, ऐसे ऐसे मौके आ जाते हैं किसान अपना अनाज बेच नहीं पाता। अगर उसकी लागत आती है 5 रुपये किलो तो उसको मंडी में 50 पैसे किलो ही मिलता है, वो भी एक बड़ी वजह है। दूसरी बात यह भी है कि उत्तराखंड एक की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां का अनाज उठा के ले जाने में जो फल वगैरह होते हैं वो ले जाने में भी दिक्कतें होती हैं, और उत्तराखंड में आए दिन भूस्खलन और बारिश की वजह से परेशानियां भी होती हैं। और दिक्कतें तो आपने बहुत गिना दी। राजेंद्र जोशी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, आप तो कई सालों तक उत्तराखंड में सरकार में रहे, क्या ये वजहें आपको तब दिखाई नहीं दी? अगर कदम उठाए हुए होते तो सर आज ये स्थिति नहीं होती। कदम उठाए हैं तो क्या उठाए हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उत्तराखंड में हमारी भी सरकार रही और हमारी सरकारों के समय पर भी काम करने की कोशिश की गई। ये मैं मानता हूं कि उतनी सफलता नहीं मिल पाई कि उत्तराखंड में जो पलायन है वो रुक जाए और जो पहाड़ों पर जो किसान है उस किसान को उसका फल का दाम मिल जाए। पिछली सरकार में जो हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की, उन्होंने कई योजनाएं लाई पहाड़ वासियों के लिए, पहाड़ के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के लिए और जानवरों के लिए, पेड़ लगाने तक के लिए वो योजना लाए। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई, उनको समय भी नहीं मिल पाया इतना ज्यादा काम करने का। कभी विधायकों की खरीद फरोख्त, कभी हमारा बजट रोक देना, कभी राष्ट्रपति शासन लगा देना, केंद्र सरकार की तरफ से हमें दिक्कतें आती रही उस समय। दो मूल जो हमने समस्या देखी है वो है जंगली जानवर और वो अपने उत्पाद को कहां बेचें। किसान अगर उत्पाद पैदा करते हैं तो वो अपने उत्पाद को कहां बेचें, ये बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड कांग्रेस का पक्ष आपने सुना, राजेंद्र जोशी जी जो संजय भट्ट जी ने हमारे सामने रखा। लेकिन राजेंद्र जोशी जी, आज की बात नहीं है, 2000 में जो आंकड़ा 60-70% रहता था वो अब हो गया है 10%। क्या आपको लगता है इसके क्या कारण है? क्या सरकारों को पता है कि जंगली जानवर या किसानों की समस्याएं हैं तो सही, लेकिन उस पर कदम कैसे उठाया जाए ये उन्हें पता नहीं है? देखिए मृदुल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारी आज तक की इन 18 सालों में जो उत्तराखंड में जो जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने प्रदेश में कृषि नीति लागू नहीं की, कृषि नीति नहीं बनाई प्रदेश की। और कितनी जमीन बेची जानी चाहिए, कितनी जमीन जो खेती की जमीन है कितनी जमीन तक आप लोग बेच सकते हैं, कितनी जमीन नहीं बेच सकते हैं, इस पर आज भी कोई वो नहीं है। यही कारण है कि देहरादून से लेकर जितने भी उत्तराखंड के जो तराई वाले इलाके हैं, सब जगह जो है मैं पूरे तराई के इलाके में कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, खेती खत्म हो गई है। देहरादून में माजरा की बासमती, आपने नाम सुना होगा, देहरादूनी बासमती जो थी वो समाप्त हो गई है। इसी तरह और भी पर्वतीय क्षेत्र है, इधर आप रुड़की की तरफ चले जाइए, इतनी बढ़िया चावल वहां होता था वो सब खत्म हो गया। उधम सिंह नगर में इतना अच्छा चावल गेहूं होता था वो सब समाप्त हो गया, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है कृषि पर। और हम तो बचपन में जब पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज वो कृषि तो लापता ही हो गया, आज ये बिल्डर प्रधान देश हो गया है पूरा देश जो है। तो एक निश्चितता होनी चाहिए, कितनी जमीन कृषक कितनी जमीन बेचेगा, कितनी जमीन वो अपने पास रखेगा, कितनी जमीन में उसको अनिवार्यतः कृषि करनी होगी। पहले तो अनिवार्यतः कृषि करनी होगी, ये जरूरी है।
क्योंकि यही कारण है कि लोगों का जब वो देखता है कि मुझे मेरी जो जमीन जो जमीन उसके पास पुरखों ने बाप दादा ने उसको दी उसको विरासत में मिली है वो 100 रुपए की जमीन जो है वो 10 लाख रुपए की बिक जाती है तो वो कहता है कि मैं मेहनत क्यों करूं जब उसके ऊपर एक अनिवार्यता का लगा रहेगा एक वो रहेगा अनिवार्य उस पर लगा रहेगा तो वो कहेगा कि सर नहीं मुझे तो इतनी जमीन ही बेच सकता हूँ इससे ज्यादा नहीं बेच सकता हूँ उसमें मुझे खेती करनी है मेरी मजबूरी है कि मैं खेती करूंगा तो तभी कुछ एक तरह से खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा मार्केटिंग जी, की हाँ, कृषि प्रोडक्ट मैं उस पर ही आ रहा था सर कही कृषि प्रोडक्ट पैदा हो जाता है कृषि प्रोडक्ट पैदा हो जाता है उसके बाद वो बाजार में कहाँ बेचेगा। हमारे यहाँ रवाई जौनसार और का इलाका है इतना कैश क्रॉप वहाँ पैदा होता है हरी सब्जियां फल ये बहुत सारा पैदा होता है टमाटर दिल्ली की आजादपुर मंडी तक टमाटर जाता है मदर डेयरी वाले यहाँ से उठा के ले जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है सड़क की व्यवस्था नहीं है कृषक उगाएगा उसके बाद उसका सामान जो है सड़क पे पड़ा सड़ जाएगा उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए कृषक को उसका उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले ये सब सरकार को सोचना चाहिए तभी जाकर के कृषक भी रहेगा और हमारा देश जो कृषि प्रधान देश हम कहते थे वो भी रहेगा। जी बिल्कुल ये जो राजेंद्र जोशी जी ने बात कही संजय जी आप सुन रहे हैं देवेंद्र जी अगर हमारे साथ होते तो उनसे भी हम सवाल करते लेकिन वो इस समय हमारे साथ नहीं जुड़ पाए कोशिश है उनसे जुड़ने की। लेकिन संजय जी मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा क्या मौजूदा सरकार के पास कोई नीति नहीं है आपकी भी सरकारें रही क्या कोई नीति अब तक नहीं बनाई गई और उसी का नतीजा कि पलायन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर। जी बिल्कुल जिम्मेदारी हम सभी की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में पलायन एक भयावह स्थिति पे पहुंच चुका है। कहीं कई गांव ऐसे हो गए जो भुता गांव हो गए जहां एक भी व्यक्ति रहता नहीं है। उसका मुख्य कारण कृषि से जो हमारे उत्पाद हैं उनका उठान न होना और जो जानवरों द्वारा कृषि को नुकसान पहुंचाना जो बंदर और सुअर नुकसान पहुंचाते वो भी एक बड़ा कारण है और साथ साथ दूसरी बात जो शहरीकरण हुआ है। जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था उसके साथ दो राज्य और बने थे मृदुल जी आपको याद होगा तो झारखंड छत्तीसगढ़ उन दोनों को स्थायी राजधानी जी छत्तीसगढ़ और झारखंड उन दोनों को स्थायी राजधानी दी गई लेकिन उस समय की केंद्र में जो एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट उन्होंने उत्तराखंड को अस्थायी राजधानी देहरादून दी जबकि उत्तराखंड आंदोलन में एक ही मांग थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर। अगर वो राजधानी उसी समय पहाड़ पर दे दी गई होती गैरसैंण राजधानी मान ली गई होती बना दी गई होती तो आज ये शायद परिस्थितियां इतनी विकट न होती क्योंकि पहाड़ पे लोग जी मैं उस पर जाऊं इससे पहले एक चीज और पूछ लेता हूं सर आज तो समस्या है नहीं क्योंकि हम आंकड़े देख रहे हैं तो लगातार साल दर साल ये आंकड़े गिरते जा रहे हैं यानी समस्या तो आज की है नहीं जंगली जानवर आज पैदा नहीं हो गए या फिर हम यूं कहें कि पहाड़ पर लोगों का पलायन आज तो शुरू नहीं हुआ है ये स्थितियां पहले थी तो ये पहले क्यों समझ नहीं आई। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्थितियां एक दिन में खड़ी नहीं होती हैं स्थिति लगातार बिगड़ती हुई गई है पहाड़ की और लोग पलायन इतने ज्यादा बढ़ गया है पहाड़ पे क्योंकि पहाड़ पे एक तो हम रोजगार देने में विफल रहे हैं हम शिक्षा अच्छी सड़क सब देने में विफल रही हैं यहाँ की सभी सरकारें। उत्तराखंड आंदोलन भी इसीलिए हुआ था क्योंकि लखनऊ से हम बहुत दूर पड़ते थे उत्तराखंड होगा हमारा अलग प्रदेश होगा लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं सब सिर्फ और सिर्फ हम तराई में आके बस गए हैं चाहे कोई भी इलाका हो तराई का उस तराई में जाके इंसान बसने को तैयार है। जैसा कि राजेंद्र जोशी जी ने भी बताया कि जहां पहले बासमती होती थी माजरा में देहरादून में आज वहां देहरादून में ISBT है देहरादून की लीची खत्म हो गई है देहरादून का गन्ना खत्म हो गया है इसी प्रकार से जितनी तराई का क्षेत्र था उसकी वहां बिल्डिंगों के अंबार बड़े बड़े बन गए हैं। पूर्व की सरकारों ने कोशिश भी की कि यहां जमीन खरीद की रोक लगाने की लेकिन उन मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया उन्हीं सरकारों द्वारा उन्हीं की पार्टी द्वारा। तो जिस अगर उत्तराखंड बनते ही सबसे पहले जो सरकार बनी थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यदि उसी समय इसमें जोड़ता यहाँ पर भी संजय जी हिमाचल की तरह 372 लगा दी गई होती बहुत लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन मैं एक और चीज जोड़ता हूँ राजेंद्र जोशी जी आप पर उसका आपका कमेंट उस पर बहुत जरूरी है चकबंदी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि 18 साल बीत चुके हैं उत्तराखंड में चकबंदी को लेकर क्या है कोई चकबंदी यहां पर होती नहीं है क्या ये एक बड़ा कारण है।
देखिए चकबंदी को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चकबंदी आंदोलन चला था। गरीब गणेश बीरान गणेश जी एक हैं अपने पौड़ी जिले के, वो चकबंदी के लिए बेचारे संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने गांव के आसपास चकबंदी की है, अपने गांव के आसपास के कुछ लोगों को मिला करके चकबंदी की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चकबंदी का आप करोगे कैसे? सबसे पहले सरकार को चाहिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए पटवारी कानून को तहसीलदार ये सब चाहिए इसके लिए, ये आधारभूत। क्योंकि जमीन जब एक दूसरे के नाम ट्रांसफर होगी, एक गांव के आदमी के चार लोगों के मेरे और इनके संजय जी के बीच ट्रांसफर होगी, तो उसके लिए पटवारी कानून को की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वो पटवारी जमीनों को दस्तावेजों में वो करेगा। तो ये सब समस्याएं सब सरकार को समझनी चाहिए कि वो जो है पहले उनके लिए आधारभूत व्यवस्थाएं वहां पे तैयार करें। वो व्यवस्थाएं तब तैयार होंगी जब जो है सरकार जब जरूरत के। राजेंद्र जी, तो सरकारें किसी की भी आई हो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, ये हम जान सकते हैं। चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, सरकारें आती गई जाती गई, इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, चकबंदी जो आपने जो विषय उठाया, चकबंदी पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने आपको कृषि के बारे में बताया, कृषि की कोई नीति नहीं बन पाई, कितनी जमीन कितने किसान रखेंगे कितनी नहीं रखेंगे, उनकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हिमाचल राज्य से हम आई दो दिन पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने एक मामला और सुनवाई करते हुए कहा कि क्या उत्तराखंड में उत्तराखंड में जमीनों को लेकर के सरकार ने कोई नीति बनाई है हिमाचल की तरह, उसने ये कहा है। तो उस पर भी सरकार लोगों को यहाँ पर अभी क्यों हाईकोर्ट ने हिंट तो किया है, लेकिन सरकारों को कम से कम इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए कि हमारी जमीन कब तक बिकती रहेगी, कब तक हम लोग यहाँ जमीन बेचते रहेंगे और उस जमीन का पैसा खाते रहेंगे। जब एक दिन वो आएगा कि जब जमीन ही खत्म हो जाएगी, पैसा समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए कि उस जमीन को रोके, बेचने से रोके, वहां जमीन कृषि के लिए जमीन रखे। एक स्पेसिफाइड जमीन होनी चाहिए, कितना जमीन किसी कृषि के लिए रखी जाएगी। आज धीरे धीरे जमीन घटती जा रही है, 3-4% जो है पूरे उत्तराखंड में जमीन रह गई है कृषि के लिए। यानी ये भी सरकार को सोचना होगा। अब सरकार का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र भसीन साहब, बड़ी देर कर दी आपने आते आते, और ये देरी हमने उत्तराखंड में देखी है सर, खेती को लेकर कोई नीति अब तक नहीं बन पाई है, ना चकबंदी को लेकर, ना खेती को लेकर, पहाड़ पे ना मैदानी इलाके में। कौन है जिम्मेदार? देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी कृषि पर चिंता हो रही है, मैं उससे अपने आप को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी जो एक आंकड़ा लेके आपके सामने आ रहा हूँ, ये सरकार की हमारी नीति का एक दस्तावेज है। और इसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं प्रदेश के अंदर कृषि को लेकर के हैं, उन सबका विवरण दिया गया है, और साथ ही दिखाया गया है किस प्रकार से कृषि भूमि में कमी आई है। और कमी नहीं आई है, बल्कि जो कृषि का अंश है पूरी हमारे सकल उत्पाद के अंदर, उसके अंदर कमी हुई है, जो 16.60 से घट करके अब वो केवल 8.94 रह गया है। 7.7 लाख हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी कृषि की, वो वर्तमान में घटकर 6.98 लाख हेक्टेयर केवल रह गई है। विषय आ रहा है, बड़ा गंभीर है, ये तो विषय हो गया। भसीन साहब एक सेकंड, मैं रोक दूंगा ये चीज, तो मैं बता ही रहा हूँ आपके पास नीति क्या है इसे सुधारने के लिए, ये बताइए सर आप। हाँ जी, देखिए इस समय हमारे पास जो दस्तावेज मेरे सामने रखा हुआ है, इसके अंदर सीधी सीधी सी बात यह है कि जो हमारी कृषक हैं, सबसे पहले हमको उनकी आय को बढ़ाने के लिए साधन देना पड़ेगा। जब तक कृषक को उसके लागत का और उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता, निश्चित तौर पर वो कृषि से अलग होता जाएगा। तो पहली चिंता हमारी ये है कि कृषि की आमदनी दुगनी हो, और केंद्र सरकार ने भी और वर्तमान प्रदेश सरकार ने भी ये तय किया है कि सन 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करें। कैसे करेंगे सर? नहीं है, ये उनको उत्पाद बेचने के लिए मंडी तक जाना पड़ता है, मंडी पहाड़ों पर है नहीं, मैदानी इलाकों में जाना पड़ता है, पैसे लगते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, कौन भरेगा इतना, इसलिए उन्होंने कहा खेती नहीं करते। जी जी सर, ये तो ठीक करिए पहले। देखिए आपकी बात सही है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, पहली तो यह है कि जो उत्पादकता है अभी, जो प्रति हेक्टेयर भूमि की उत्पादकता है वो कम है, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो जल संरक्षण की हमारी नीति है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कृषि के यंत्र जो पुराने हो गए हैं उनको हमको नयापन देना पड़ेगा, और इसी प्रकार से कई विस्तार से, इसमें समय नहीं है क्योंकि मैं विलंब हो गया, मुझे एक नहीं बिल्कुल सर समय नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल और आपसे कर लेता हूं मैं, बहुत छोटा सा, छोटा ही जवाब दीजिएगा सर इसका, इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? आप भी सरकार में पहले रहे हैं, अब भी हैं। देखिए कुल मिलाकर के अगर हम देखें
तो ये एक निरंतर समस्या रही है उत्तराखंड की, और जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान कृषि की ओर नहीं दिया गया। उत्तराखंड की 70% जनता कृषि पर, यही मैं सुनना चाह रहा था कि जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया। राजेंद्र जी, क्यों नहीं दिया ध्यान? क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रही विदेश में? केवल आपको एक उदाहरण, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं चौथी या पांचवी पढ़ता रहूंगा, पहाड़ में रहता था मैं, पहाड़ी परिवेश में पला बड़ा हूँ, और हम लोग केवल नमक और मिट्टी के तेल के अलावा बाजार से कुछ नहीं खरीदते थे। मुझे आज भी याद है, हम लोग जो है मसाले घर के होते थे, राशन घर की होती थी, सब्जियां घर की होती थी, आटा चावल घर का होता था, सब कुछ घर का होता था। आखिर जो है इन 30-40 सालों में ये ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम लोगों को जो है पहाड़ में हर सामान जो है मैदान से जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के जा रहा है? क्यों नहीं वहां के किसानों को जो है सरकारों ने जो है प्रोत्साहित किया कि भाई वो पुरानी खेती जो उनकी परंपरागत खेती है उस पर अपना ध्यान लगाएं। तो मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने अपने घर में देखा, हम लोग केवल नमक और मिट्टी का तेल केवल बाजार से, क्योंकि बिजली थी नहीं तो मिट्टी का तेल जलाने के लिए मिट्टी का तेल और नमक केवल इतना चीज खरीदते थे। आज स्थिति इतनी पहाड़ों में इतनी भयावह है कि लोगों ने पहाड़ों में भी जो है बड़े बड़े भवन बन गए, जहाँ खेती हम लोग खेत करते थे वहाँ भवन हो गए, हम भी खुद अपने खेत बेच करके यहाँ आ गए मैदान में। बिल्कुल सर, और इसका कारण यही है कि ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, समय की कमी के चलते मुझे चर्चा यही समाप्त करनी होगी, लेकिन एक बात तो जरूर है, आज हम इस चर्चा में जो बात सामने निकल कर आई है कि पहाड़ पर किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिली, वो नीति नहीं मिली जिससे वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सकें, और ये एक बड़ी वजह रही कि सरकारें आती गईं चली गईं, फिर नई सरकार आई फिर चली गई, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, ना कोई नीति बनी, ना चकबंदी को लेकर कोई कदम उठाए गए, ना ही पहाड़ और मैदानी इलाकों के लिए कोई ठोस नीति बनी है। क्या आने वाले समय में कोई नीति बन पाएगी, देखना होगा। फिलहाल इतना ही।